कंपटीशंस आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की बायोलॉजी एंड इन आवर प्रीवियस वीडियो हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और हम पढ़ रहे थे कि खाना किस तरह हम खाते हैं और खाना कहां तक पहुंच गया था, हमारे गले तक पहुंच गया था, हाँ एपिग्लॉटिस तक पहुंच गया था। और मैंने बताया था कि एपिग्लॉटिस के बाद वो खाना कहां जाता है, करेक्ट ओएसोफेगस या जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कि नाउ लेट्स कॉल दिस ओएसोफेगस, जैसे को क्या कहा जाता है, विंड पाइप। एंड व्हाट डस इट डू, इट कनेक्ट्स द ओरल कैविटी विद द स्टमक। ये वो चीज है जो ओरल कैविटी को हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अगर कोई उल्टा पेट से लटक के आम खा रहा है, ऐसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर खा रहा है उसके बावजूद उसका आम उसके पेट में जाता है और हेड में नहीं, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर आपको यही मिलेगा ओएसोफेगस में। ध्यान से सुनिएगा इसके आंसर, ओएसोफेगस में एक रिदमिकल मूवमेंट होता है, एक वेव लाइक मूवमेंट होता है जिसके जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहा जाता है। और यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो वजह है जिसके वजह से हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है। और ध्यान रखिएगा कि ओएसोफेगस, लेट्स सी दिस, दिस इज इफ यू कॉल दिस स्टमक, तो जहां पे ओएसोफेगस एंड होता है और जहां से स्टमक शुरू होता है वहां पर एक मसल, स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स भी होता है जिसको कहा जाता है इंस्पिंक्टर। इंस्पिंक्टर बिल्कुल एक किसी गार्ड की तरह काम करता है, ये अलाउ करता है मूवमेंट को, क्या जो फूड ओएसोफेगस से आ रहा है क्या उसको स्टमक पे जाने देना है या नहीं जाने देना है, ये काम कौन करता है, इंस्पेक्टर करता है। और इंस्पेक्टर सिर्फ एक नहीं होता है, कई इंस्पेक्टर्स होते हैं। बट फिलहाल हम देखते हैं कि अभी खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के वजह से हम देख रहे हैं, वेव लाइक मोशन के वजह से हम देख रहे हैं कि खाना कहां पे पहुंच गया है, हमारे पेट में पहुंच गया है। तो पेट भर गया आप सबका, तो देखिए पेट में पहुंच गया, स्टमक में पहुंचने के बाद कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होती है। क्या क्या रिलीज होता है, जब खाना हमारे पेट में पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंचता है तो हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ चीजें स्टार्ट करता है, कुछ चीजें रिलीज करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन चीजें रिलीज करती है, नोट दिस डाउन, कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन चीजें रिलीज करती है, पहला एसिड, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। ये तीन चीजें गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है जो फूड को डाइजेशन करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड का क्या काम है, एसिड के फंक्शन की हम बात करते हैं तो हमने कहा कि एसिड का फंक्शन क्या है, ये कन्वर्ट करता है स्टमक के मीडियम को कैसा बना देता है, एसिडिक, कन्वर्ट इंटू एसिडिक मीडियम। और हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम होना ही क्यों चाहिए, क्या जरूरत है आखिर एसिडिक मीडियम होने का? देखिए जरूरत ये है कि ये जो दूसरा चीज है एक्चुअली एक एंजाइम है और ये जो एंजाइम है पेप्सिन, इसका फंक्शन देखते हैं, इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन प्रोटीन। अब ये हमारे खाने में जो प्रोटीन है पेप्सिन उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, तो पी फॉर प्रोटीन एंड पी फॉर पेप्सिन, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। और तीसरा चीज है म्यूकस। म्यूकस के फंक्शन को अगर देखें तो इसका फंक्शन बहुत ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये पेट के इंटरनल लाइनिंग पे, यहां पर ये पेट के इंटरनल लाइनिंग पे कुछ इस तरह से, ये है म्यूकस। ठीक है, ये जो इंटरनल लाइनिंग मैंने डॉटेड लाइंस बनाई है, दैट आर शोइंग म्यूकस। तो हम देख रहे थे किस तरह से म्यूकस स्टमक के इंटरनल लाइनिंग को क्या कर रहा है, कवर कर ले रहा है। ओके, और कवर करने से क्या होता है कि एसिडिक जो एसिड है वो हमारे पेट के स्किन पे नहीं छूता है, तो म्यूकस क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट द इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये म्यूकस का काम हो गया। तो ये तीनों फंक्शन होंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, व्हाट डस एसिड डू, व्हाट डस पेप्सिन डू एंड व्हाट डस म्यूकस डू। ओके, नोट दिस डाउन। ओके, नाउ वी सी कि स्टमक में किस तरह से डाइजेशन हुआ। लेकिन देखिए, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि ये पेट, ये स्टमक है, डाइजेशन यहीं पर होता है। बट बिलीव मी, दिस इज नॉट द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन एक्चुअली पेट में नहीं होता है, डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि स्टमक के ठीक बाद एक एक्सटेंसिव क्वाइलिंग होती है, ऐसे नेटवर्क्स बना होता है, एक्सटेंसिव क्वाइलिंग, इसमें होता है डाइजेशन। ओके, माय फिगर वाज नॉट सो गुड। ओके, नाउ यू कैन सी कि मैं कह रहा था कि एक इंस्पेक्टर यहां पर भी होता है। याद रखिएगा इस चीज का कि जो स्टार्टिंग में एक स्फिंक्टर था, एक स्फिंक्टर यहां भी होता है जो रेगुलेट करता है कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना फूड जाना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में से बड़ा कौन सा है, तो निश्चित तौर पर आप लार्ज इंटेस्टाइन को कहोगे, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन इज ग्रेटर इन लेंथ। लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा कौन होता है लेंथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन। यू नो व्हाट, की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ, यकीन मानिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 meters होती है। 6 meter, अगर मैथ्स में कमजोर है तो बता दो, 20 feet, 20 feet the length of the small intestine। आप खुद भले 5 ही फुट के हो ना, लेकिन आपके एक एवरेज पर्सन के स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वो भी 20 feet का होता है। सोचिए 20 feet, अगर उसको निकाल के सीधा करके रखा जाए तो कितना दूर जाएगा। तो हम देख रहे हैं किस तरह गॉड ने क्रिएट किया हुआ है हमारे बॉडी को, कितने अच्छे इंजीनियरिंग के साथ गॉड ने क्रिएट किया हुआ है इस ह्यूमन बॉडी को। और मैं आपको बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज्यादा होने से क्या होता है या कम होने से क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी एनिमल का स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज्यादा है, दैट मींस कि वो एनिमल सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए बना हुआ है। और सेल्यूलोज किसमें पाए जाते हैं, प्लांट्स वगैरह में। इसका मतलब अगर किसी का स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा है, लेंथ में ज्यादा है, तो वो क्या खाने के लिए बना है, वेजिटेबल, शाकाहारी खाने के लिए बना है। लेकिन अगर किसी का स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कम है तो वो क्या खाने के लिए बना है, वो मीट खाने के लिए बना है, क्योंकि प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है सेलुलोज के मुकाबले। लाइक एनिमल्स, लाइक लायन, टाइगर हैव स्मॉलर इन लेंथ, like tiger and lion have a smaller in length of intestine, small intestine, याद रखिएगा कि एक tiger and lion का small intestine length में छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या खाना होता है, flesh खाना होता है, उसमें protein होता है, वो easily digest होता है। लेकिन humans में ये हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा है small intestine, कितना बड़ा है, that's why हम क्या खाने के लिए बने हैं, वेजिटेरियन। लेकिन अभी चाइना में नॉनवेज खा लिए और आज इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि लॉकडाउन 3.2 हमें देखना पड़ रहा है, तो इसी वजह से मैं तो अब से वेजिटेरियन ही होने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।